रेडी गो। रेडी गो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुतंदर और मैं हूं ओके पाजी। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कुछ नई आर्म रेसलिंग टेक्निक्स जो हमने समय के साथ सीखी हैं और इसके बाद भी सीखते रहेंगे और आगे भी आपको नई नई टेक्निक्स बताते रहेंगे, अपडेशन आती रहेंगी। तो यार आपको हमारी पुरानी वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आई और हम नई वीडियोस लेकर आए हैं नई टेक्निक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आर्म रेसलिंग में, और अगर आपकी ग्रिप सही नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सही से ग्रिप नहीं करते, इसी वजह से वो मैच हार जाते हैं। हालांकि उनकी फोरआर्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है पर फिर भी वो मैच हार जाते हैं क्योंकि उनको सही से ग्रिप करना नहीं आता। तो सबसे पहले बताता हूँ ग्रिप कैसे करते हैं, उसके बाद बताऊंगा टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले आपको ग्रिप करनी चाहिए सेंटर में। अगर वो अपनी तरफ ग्रिप कर रहा है तो समझ लीजिए वो चीटिंग कर रहा है, इसलिए ग्रिप हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। आप ग्रिप करेंगे तो आपको थंब ऊपर रखना है और फिंगर्स को नीचे रखना है ताकि आपके थंब पे वो प्रेशर ना डाल सके। तो जब ग्रिप होगी तो जैसे कि उसने पकड़ लिया, अब मेरा थंब बाहर को रहेगा और मेरी फिंगर्स अंदर रहेंगी, तो कुछ ऐसे आपको ग्रिप करनी है। इसी से आप उसके थंब पर प्रेशर डाल पाएंगे और उसके हाथ को मैनिपुलेट कर पाएंगे कुछ ऐसे। तो उसके बाद आपने देखना है कि आपको उससे हुक करना है, टॉप रोल करना है या कप करना है या फिर डेड रिस्ट करना है, जिसे फ्लो प्रेस भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्निक की। तो टेक्निक कुछ ऐसे होगी, तो यार टेक्निक कुछ ऐसी होगी कि जब मैच स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले कप करना है। इसकी सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी कप करने की, क्योंकि अगर आपका हाथ पहले ही ऐसे हो जाए तो आप समझो मैच हार गए। तो आपको सबसे पहले कप की प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आप दूसरे की रिस्ट को अपने काबू में कर सकते हैं। जब आपने कप कर लिया तब आपको एल्बो स्लाइड करनी है पीछे को कुछ ऐसे, ठीक है। पहले कप किया उसके बाद एल्बो स्लाइड की, उसके बाद आपने हुक करना है या फिर टॉप रोल, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा अगर आपकी जो फोरआर्म उससे लंबी है, दूसरे बंदे की फोरआर्म से लंबी है अगर आपकी फोरआर्म, तो आपको टॉप रोल करना चाहिए। अगर आपकी फोरआर्म उससे छोटी है तो आपको हुक करना चाहिए। तो ये होगी मेरी टेक्निक, आप इसे जरूर आजमा के देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा इसका। तो यार मेरी टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने क्या करना है। तो सबसे पहली, जैसे कि पुतंदर ने बताया, ग्रिप सबसे मेजर फैक्टर है। सबसे पहला और सबसे आखिरी स्टेप जो होता है कि आपने ग्रिप कैसी ली है, ठीक है ना। जीतने के लिए आपको हमेशा अपनी ग्रिप स्लाइटली ऊपर देनी चाहिए। आप अगर नीचे लेंगे तो अगला एडवांटेज ले जाएंगे, तो आपको हमेशा अपनी ग्रिप को ऊपर रखना होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, जैसे ही मैच को स्टार्ट करते हैं तो आपने बैक प्रेशर डालना है। तो बैक प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्म रेसलिंग का, क्योंकि भाई बैक सबसे बड़ा मसल है। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ 3-2-1, तो आप बैक प्रेशर से उसकी फोरआर्म और उसके आर्म का डिस्टेंस जो है ज्यादा कर देंगे। और सेकेंडली क्या होगा, जो उसकी आर्म है तो वो पैडिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएगी, जिससे कि आपके चांसेस स्टार्टिंग में ही बढ़ जाएंगे कि आप उसको डोमिनेंट कर पाए। तो यार ये थी मेरी टेक्निक, ये टेक्निक हमेशा स्टार्टिंग में यूज करें, ग्रिप का ध्यान रखें और आपकी जीत पर। तो दोस्तों आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहे और आगे भी आपको नई नई टेक्निक्स हम देखते रहें। आर्म रेसलिंग करते रहें, आर्म रेसलिंग, और फॉलो करें पुतंदर और ओके पाजी को।